तिवारी जी नमस्ते। नमस्कार, हेलमेट किधर है आपका? और ना तो आप साइड मिरर भी गायब किए हो आप? सब लगवा लूंगा, उसी जानकारी के लिए आपके पास आया हूं। आ जाओ, गाड़ी यहां लगाओ पहले। जैसे मेरी जॉब लग गई अंबिकापुर में, नंबर भी देख लेना आप। अच्छा, अंबिकापुर में जॉब कर रहे हो? जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे को अपनी गाड़ी लेकर के जाना है अंबिकापुर, उसके लिए मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहिए? देखिए, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश से किसी भी राज्य में जाओगे आप, तो जो आपके मोटर्स, अगर आप टू व्हीलर में हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बीमा और PUCC, ये चार तो आपके डॉक्यूमेंट लगते ही हैं। जब आप अदर स्टेट में जाते हैं और वहाँ सेटल रहते हैं, मतलब 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, काफ़ी दिनों के लिए आप वहाँ रहना चाहते हैं और अपनी गाड़ी वहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है NOC बनवाना है। अच्छा, ये NOC क्या होता है सर? ये कैसे निकलवाएंगे अपन NOC अगर चाहिए तो? नमस्कार नमस्कार एंजेन मेरे साथियों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देखिएगा। आपको NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं शेखू, और ये अंबिकापुर जा रहे हैं, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ पे है। तो अदर स्टेट में जाने में NOC की आवश्यकता पड़ती है, और वो NOC के लिए क्या करना है आपको, RTO में जाना है, जो अपना रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसमें जाकर आपको NOC बनवाना है। NOC बनेगा कहाँ से आपके? तो जिस भी जगह से आपका रजिस्ट्रेशन है, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उस RTO से आपका NOC बनेगा। प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी NOC के बारे में नहीं जानते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो NOC मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि आप किस राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो इस राज्य में कोई कोई समस्याएं तो नहीं है। समझ रहे हैं? समझ गए? इसको कैसे अप्लाई करना है? इसको अप्लाई कैसे करोगे आप? RTO में जाके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जिस थाने में, संबंधित थाने पे आपको सूचना देना पड़ेगा, ठीक है, कि हम इस, हमारी जॉब लगी है यहाँ पर, हम यहाँ पर जा रहे हैं और ये गाड़ी जो इस नंबर की गाड़ी है उसको लेके जा रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो थाने से पूरा वेरीफाइड करके कि हाँ भाई, आपका कोई अपराध इस पर, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह नहीं लगे हुए हैं, वो आपके जो है उस पर देते हैं। समझ रहे हो आप? वो आपको एक सूचना की कॉपी देना पड़ेगा, उसकी एक कॉपी आप रख के RTO पे जाओगे। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, आपके अगर आप खुद उस वाहन स्वामी हैं तो शपथ पत्र लगेगा आपका, एफिडेविट लगेगा, वो शपथ पत्र जो है स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र लगेगा कि मेरे द्वारा ये गाड़ी जो है, गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चलाया गया है, कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, कभी कोई जख्मी नहीं हुआ इससे, या कोई केसेस वगैरह नहीं हुए, कोई पेंडेंसी चालान वगैरह का नहीं है। ये सारी चीज़ों के आपके शपथ पत्र, घोषणा पत्र होगा, उसको भी आपको कॉपी वहाँ RTO में लगेगी, ठीक है। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो वाहन स्वामी हैं, जिनके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड है, उनको स्वयं पहुँचना पड़ेगा RTO में NOC के लिए। बिना उनकी उपस्थिति के ये NOC नहीं बनेगी, तो आपका पहुँचना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। वाहन स्वामी वाहन के साथ RTO में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये लगते हैं। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया नहीं है मेरे प्यारे साथियों। NOC जो है आपका, NOC की कोई चार्जेस नहीं है, NOC का कोई चार्जेस नहीं रहता है, ठीक है। तो आप बस ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का, ताकि दूसरे राज्य के लोग अच्छे तरीके से समझ सकें कि हाँ, आपके इस गाड़ी से संबंधित कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। तो जब कभी भी किसी दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी को लेके जाएं वहाँ चलाने के मकसद से, तो NOC जरूर बनवाएं। और ये NOC है मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय योर RTO, ठीक है। जय हिंद। और ऐसी ही खबरें, ऐसी ही सूचनाएं, ऐसी ही जानकारियां, नए नए अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को लगातार बने रहिए। जय हिंद।